नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐसा कमेंट कर दिया, कह दिया, तमाम तरह के मीडिया वालों ने उसको छापा और वो ये छापा या तमाम तरह की वेबसाइटों ने उस पर उठाया, तमाम ऐसी वेबसाइटें जो मोदी जी के लिए अच्छा नहीं सोचती या पॉलिटिकल अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहती हैं, मैं उनको एंटी नेशनल कहता हूँ, वो अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहती हैं और ये कहती हैं कि सरकार किसी की हो विरोध करना हमारा काम है। तो उनका कहना ये प्रिंट करना और उसकी हेडिंग देना कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति राज्य सरकार को या दिल्ली सरकार को नहीं दे रहे हैं तो फिर दिल्ली में सरकार क्यों, सरकार का मतलब क्या। अब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के विषय में मैं आपको एक विस्तार से बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी होता है कि भाई कोई भी मुकदमा चलता है तो प्रश्नोत्तर चलते हैं, खासतौर से बेंच मामले पर निर्णय करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न करती है दोनों पार्टियों से, कोई एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टियों से ऐसे प्रश्न करती है कि वो जानना चाहती है। अब ऐसे प्रश्न करते समय बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में लोगों को लगता है कि नहीं बेंच उस तरफ हो गई या इस तरफ हो गई। एक धुर में जो बोल रहा होगा, अगर सॉलिसिटर जनरल बोल रहे थे तो दिल्ली सरकार के पक्ष वाले प्रश्न पूछेंगे और उनसे उनके आंसर चाहेंगे, और अगर दिल्ली सरकार वहां बोल रही होगी तो केंद्र सरकार के पक्ष वाले क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। ये बेंच का एक नेचुरल स्वभाव है। हम सब जान ही रहे हैं कि 5 जजेस की बेंच दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सर्विसेज के बंटवारे को लेकर सुनवाई कर रही है। मैंने पहले भी ये बताया था कि 2 जजों की बेंच बैठी थी, फिर 3 जजों की बेंच बैठी, फिर 5 जजों की बेंच बैठी, और 5 जजों की बेंच इसलिए बैठी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना था, आर्टिकल 243, आर्टिकल 239AA और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के विषय में बात करनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात रखनी शुरू की, 3 दिन से बहस चल रही थी। अब ये 17 तारीख को, उसकी अगली तारीख लगी है क्योंकि फ्राइडे मिसलिनियस डे होता है, मंडे मिसलिनियस डे होता है, इसलिए अब ये 17 तारीख को, जब 17 को जब रेगुलर सुनवाई होगी तब फिर से इसकी सुनवाई कंटिन्यू होगी। ये संभव है कि लगातार फिर 3 दिन चले और फिर मिसलिनियस डे वैसे वैसे आ जाए। तो अभी जो 3 दिन की सुनवाई है उसमें दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान या तीसरे दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि पिटीशन दिल्ली सरकार की है तो सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ दो ही कैडर है, या तो केंद्र का कैडर है या राज्य का कैडर है, यानी कि या तो UPSC सिलेक्शन करती है और ट्रांसफर पोस्टिंग के विषय में रिकमेंडेशन करती है और या फिर PSC करती है। लेकिन चूंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है इसलिए यूनियन टेरिटरी का कोई सेपरेट कैडर नहीं, यूनियन टेरिटरी में जो कोई भी कर्मचारी काम करता है वो केंद्र की UPSC के माध्यम से डायरेक्ट कंट्रोल होता है और केंद्र की सरकार यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। अब होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो फिर दिल्ली सरकार के पास उसका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, या दिल्ली सरकार के पास दिल्ली सरकार का वो कैडर ही नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार यूनियन टेरिटरी है। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी का अपना एक अलग विभाग है, केंद्र ने ही अपने UPSC के सेक्शन में ही अलग से रख रखा है, जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप या फिर यूनियन टेरिटरीज का मामला उसमें आता है, तो वो पुलिस सर्विसेज डैनम कहते हैं पुलिस सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, तो दोनों का अलग अलग होता है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि दिल्ली सरकार के पास भी अपना एक कैडर है, वो है DAS, DASS, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट सर्विसेज। तो DASS जो रहती है, सबॉर्डिनेट सर्विसेज रहती है, ये बिल्कुल SSC लेवल के रहती है, जैसे SSC केंद्र करवाता है वैसे ही यहाँ पर DAS करवाता है, और हर राज्य सरकार अपने यहाँ लोअर सबॉर्डिनेट करके रखती है और लोअर सबॉर्डिनेट में सिलेक्शन करती है, और राज्य सरकार अपने यहाँ अपर PSC पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रखती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में या प्रोविंशियल सर्विसेज में उसको कहते हैं, और केंद्र की जो सर्विसेज हैं वो सेंट्रल सर्विसेज कही जाती हैं जिसका सिलेक्शन UPSC करता है, और उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के समय पर भी अगर उनका कैडर बदलना है या फिर उनके विभाग बदलने हैं तो विभाग बदलने के लिए UPSC के पास
भेजा जाता है, यूपीएससी की रिकमेंडेशन ली जाती है कि फला फला व्यक्ति जो हमने चुनकर आपको दिया था वो व्यक्ति जो आप जो विभाग में भेज रहे हैं वहाँ एलिजिबल है कि नहीं है, वहाँ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ यूपीएससी करता है। यूपीएससी को पीछे बहुत सारी रूलिंग ऐसी भी हैं, यूपीएससी को रिजर्वेशन पर निर्णय करने का अधिकार छोड़कर बाकी रिकमेंडेशन करने का अधिकार यूपीएससी को होता है। तो यहाँ पर जब सवाल पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई स्टेट दिल्ली स्टेट चूंकि डेनिस का पार्ट है इसलिए दिल्ली स्टेट की जब हम बात करते हैं दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन पावर, यूनियन गवर्नमेंट के एक्सटेंशन के रूप में ये राज्य सरकार ये जो टेरिटरीज होती हैं वो रहती हैं, इसलिए इन टेरिटरीज में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स पर सीधा सीधा अधिकार होम मिनिस्ट्री का रहता है, होम मिनिस्ट्री ही इनका भाग्य तय करती है कि ये कहाँ जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इतनी बात हो गई और ये कह दिया गया कि वो केंद्र सरकार का एक्सटेंशन है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है, दिल्ली में विशेष तरह की एक सरकार बिठाई गई है जो कि वहाँ लोकल मैटर्स को गवर्न कर सके, दिल्ली चूंकि पूरे देश की दिल्ली है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो सॉलिसिटर जनरल ने कही, उन्होंने कहा कि दिल्ली पूरे प्रदेश की सर्विसेज हैं, पूरे प्रदेश पूरे देश की दिल्ली है, इसलिए सभी राज्य सरकारों के यहाँ पर कार्यालय हैं, सभी राज्य सरकारों के यहाँ भवन बने हुए हैं, सभी राज्य सरकारों के यहाँ गेस्ट हाउस बने हुए हैं और राज्य सरकारों के लिए अलग से सभी राज्य सरकारों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो दिल्ली में दिल्ली का मतलब ये होता है कि सभी राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करने का स्थान। अब अगर दिल्ली को दिल्ली में लोकल गवर्नमेंट किसी दूसरे प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा व्यवहार करती है जो कि ठीक नहीं है या वो दो मुहा व्यवहार करती है तो ये समस्याएं होने वाली हैं, क्योंकि केंद्र सरकार इन विषयों को ऑलरेडी डील करती है, क्योंकि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, सभी राज्य सरकारों के जो ऑफिसर्स रहते हैं, सभी राज्य सरकारों की जो सर्विसेज यहाँ पर हैं उनको सबको डील करती है ऑलरेडी, इसलिए इसमें पावर जो है वो केंद्र को दी जाती है, केंद्र ही इस पर करता है। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट आगे क्या पूछेगा, तो जाहिर सी बात है आप होते आप क्या कहते अगर इतनी बहस हो गई होती, या मैं होता तो क्या क्या पूछूंगा आगे निर्णय करने के लिए। तो सवाल यहां पर ये पूछ लिया गया, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है आपकी बात से हम सहमत हैं, कोर्ट ने कहा आपकी बात से हम सहमत हैं, ये मान भी लिया जाए कि जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची के कुछ विषय जो केंद्र के पास हैं या दूसरी अनुसूची के जो विषय हैं केंद्र के जो राज्य की सूची है उन पर सब पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ये मान लिया जाए। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि भाई जो प्रमा फसाई दिमाग में बात है वो तो ये है कि कुछ विषय जिसमें पुलिस आती है, जिसमें लैंड आती है, जिसमें और विषय, इन विषयों को कुछ एंट्रियों को छोड़कर जो दूसरी अनुसूची में है, कुछ के दूसरी लिस्ट में है, इनको छोड़कर सभी पर तो राज्य सरकार का अधिकार होता है, राज्य सरकार उस पर बैठती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ मिलॉर्ड बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, इन विषयों के अलावा सारे विषय जो पहली अनुसूची का है वो तो है ही है, दूसरी सूची और तीसरी कंकरेंट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उन पर भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होता है और केंद्र अपने हिसाब से कानून बना सकता है। हाँ दिल्ली सरकार को भी कंकरेंटली पावर होती है और दिल्ली सरकार को पावर होती है कि उन विषयों पर भी वो कानून बना सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अप्रूवल होती है, यानी कि दिल्ली सरकार अगर उस पर कुछ इन विषयों पर जो दूसरी सूची और तीसरी सूची में हैं उन पर अगर कुछ करना चाहता है या कोई अमेंडमेंट करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से उस पर कानून पाले हाउस से बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अप्रूवल होता है, केंद्र से उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके पास केंद्र से अप्रूवल लेने का एक साधन है कि केंद्र का एडमिनिस्ट्रेटर, केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर LG के रूप में बैठा होता है, चूंकि LG वहां पर बैठा होता है इसलिए LG के अप्रूवल की बात आती है और LG होम मिनिस्ट्री से अपनी बात करता रहता है, होम मिनिस्ट्री का या केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव LG होता है, ये बात कह दी। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि फिर दिल्ली में सरकार क्यों, अगर ऐसा ही सब कुछ है तो दिल्ली में सरकार क्यों,
इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो लोकल के इश्यूज हैं, जो बिजली पानी के छोटे छोटे इश्यूज हैं, इन इश्यूज को डील करने के लिए वहां एक अथॉरिटी हमको चाहिए थी, और वो अथॉरिटी या तो केंद्र अपॉइंट करे, मतलब सिविल सर्वेंट को सीधा सीधा अपॉइंट करके चलावे, और या फिर अच्छा तरीका यह है कि जो पब्लिक डीलिंग वाली चीजें हैं उनमें चुनाव करवा दिया जाए। तो दिल्ली की जो सरकार 239AA में बैठाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बाद 1992 में, वो सरकार बैठी ही इसलिए थी कि जिन मामलों पर केंद्र को सीधा करने का अधिकार तो है, लेकिन उनके विषय अगर जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं चुनकर चुने हुए लोगों के पर जाए तो ज्यादा अच्छा व्यवहार हो सकता है, ज्यादा अच्छा हो सकता है। फिर केंद्र सरकार, फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर सरकार है ही, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर वहां पर सरकार है ही तो फिर सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है, और सरकार अगर रिस्पॉन्सिबल है तो सरकार को अधिकार क्यों नहीं है, सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार क्यों नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जो जवाब दिया वो मुझे लगता है काबिले तारीफ है, उसको समझने की आवश्यकता है। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके दो पावर हैं, एक तो फंक्शनल, उनकी कंट्रोल के दो तरीके हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एक फंक्शनल कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब उनकी प्रशासनिक रूप से वो किसके कंट्रोल में है, और फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए वो किसके कंट्रोल में है। तो उन्होंने कहा फंक्शनल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो जो फंक्शनल, फंक्शन करवाने के लिए कौन काम कौन करवाएगा वो राज्य सरकार करवाएगी, लेकिन इन अधिकारियों का जो क्लास वन के हैं, जो डास के नहीं है, मतलब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जब बात करते हैं या सबॉर्डिनेट सर्विसेज की बात करते हैं, तो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज की तरह का अधिकार तो राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन बाकी के जो भी अधिकारी केंद्रीय कैडर के होते हैं, यूनियन के कैडर के होते हैं, उनके विषय में निर्णय लेने का अधिकार केंद्र का है। और अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि वो उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं और उनको ट्रांसफर पोस्टिंग की आवश्यकता है, तो फिर वो एलजी को लिख सकते हैं, एलजी के पास पावर है कि वो आपकी जो जेन्युइन कारण है, उस जेन्युइन कारण को, या जो आपने दिखाने की कोशिश की वो जेन्युइन कारण को ध्यान में रखते हुए या तो ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे या फिर अधिकारियों की क्लास लगा दे, मतलब अधिकारियों को कहे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो सिविल सर्विसेज का रहता है वो केंद्र के हाथ में रहता है और राज्य सरकार के थ्रू होता है। कारण उसका यह है कि दिल्ली को पूरे देश के अधिकारियों, पूरे देश के नेताओं, पूरे देश के लोगों को के साथ व्यवहार करना होता है और उनके साथ उसके रिलेशन होते हैं। चूंकि पूरे देश के साथ रिलेशन के अलावा दिल्ली में इंटरनेशनल एम्बेसीज होती हैं, दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्सुलेट होते हैं, दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसलिए इन अधिकारियों के हाथ में ही चूंकि दिल्ली होती है, इसलिए उनके ट्रांसफर पोस्टिंग कौन कहां कैसे काम करेगा, किसको किस पोस्ट पर बिठाया जाए, वो सब केंद्र के हाथ में होता है, राज्य सरकार को वो नहीं दिया जा सकता। इसीलिए दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और दिल्ली को एनसीटी दिल्ली ही कहा गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो केंद्र की टेरिटरी है, केवल कुछ फ्यू फंक्शंस के लिए फंक्शनल पावर राज्य सरकार को दी गई है। राज्य सरकार कौन हो उसके लिए चुनाव करवा दिया गया है, इसलिए ये चूंकि फुल राज्य नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब मैंने जैसे पूरी बात आपको कोर्ट में जो बहस हुई वो सुना दी, अब इस बहस के बाद कोर्ट को लगा कि नहीं भी इस पर कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, इस पर सुनवाई आगे चलनी चाहिए, और बात कोर्ट के प्राइमरी सेटिस्फेक्शन में ही, एक सवाल इस प्रकार के एक दो सवालों को छोड़कर उन्होंने कोई विशेष प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि बात बिल्कुल ठीक नजर आ रही है कि दिल्ली जो है वो केंद्र की पावर में रहना चाहिए, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने उस समय दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित किया था और दिल्ली को फुल फ्लैश राज्य का दर्जा नहीं दिया था। लेकिन जो छोटे मोटे काम है उन कामों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम 3-tier सरकारें बनाते हैं, यानी कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, म्यूनिसिपालिटी की सरकार, न्याय पंचायत की, ग्राम पंचायत की, और उसके अलावा जिला पंचायत, ये सब सरकारें हम बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि जो
जो जो विषय हैं वो लोकली एडमिनिस्टर हो जाएं, वो लोकली रिजॉल्व हो जाएं। जो लोगों की ग्रीवांसेस हैं ये आवश्यक नहीं है कि वो केंद्र के पास तक आ जाएं। इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमारे यहां वैसे ही रहता है, पूरे देश पूरे संसार में रहता है। यानी कि भारत एक, भारत एक, एक, एक सरकार एक, एक कानून, लेकिन सारे काम पार्लियामेंट नहीं कर सकती, सारे काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती, इसलिए वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर करते हैं और पावर को डेलीगेट करते हैं। डेलीगेटेड पावर का मतलब एब्सोल्यूट पावर बिल्कुल नहीं होता। डेलीगेटेड पावर का मतलब होता है हूएवर डेलीगेटेड द पावर हैविंग द फाइनल कंट्रोल ओवर सच पावर्स। लेकिन जिनको डेलीगेट की गई है उनको उस पर काम करने का अधिकार होता है, लेकिन फाइनली उस पर निर्णय लेने का अधिकार उसको ही है या उसकी पावर नहीं छीनी गई है जो कि फाइनली, जिसकी पावर फाइनली डेलीगेट की गई है। तो यहां पर डेलीगेशन ऑफ पावर का मामला फंसता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न पूछा वो एक कोर्स का प्रश्न था, जबकि मुझे लगा कि जो प्रश्न पूछा उसके आंसर में सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से बहुत अच्छे और तार्किक जवाब दिए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया और सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख की तारीख 17th ऑफ जनवरी की तारीख फिर से लगा दी ताकि इस पर आगे की सुनवाई की जा सके। मुझे लगता है कि भ्रम जो फैल रहा है या फैलाया गया है वो दूर हो गया होगा कि आखिर कोर्ट ने ये बात किस, क्यों, कब और किस संदर्भ में कही है। इसका कोई लॉजिकल, कोई लीगल मतलब नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।